नमस्कार, नमस्कार। समाज की आवाज में मैं डॉक्टर कौशल पवार आप सब तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, स्वच्छकर समाज की आवाज ऐसे व्यक्तित्व को आप सबके सामने लेकर आता है जो समाज में एक आदर्श स्थापित कर चुके हैं, कर रहे होते हैं, समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होते हैं। चर्चा की इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण कुमार जी। सर, स्वच्छकर समाज की आवाज में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपके तमाम विद्यार्थियों का, तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर, मैं आपसे आपके पूरे के पूरे मतलब आपकी सामाजिक किस पृष्ठभूमि से आप आते हैं, आपका परिचय क्या है, ये जानना चाहती हूँ। जी नमस्कार मैम, मेरे आपके न्यूज चैनल के सभी श्रोतागणों को, मेरे स्टूडेंट्स को और जितने भी तमाम जो श्रोतागण इसको सुन रहे हैं, मैं उनका सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और खासकर डॉक्टर कौशल कुमार जी का जो प्रोफेसर है डीयू में, कि उन्होंने आज मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया है। देखिए मैम, आपका जो न्यूज है उसका नाम ही स्वच्छ कार समाज की आवाज है, और मैं भी इसी समाज से आता हूँ। मेरे माता पिताजी ने भी यही काम किया, और बड़ी मेहनतों और मुश्किलों के बाद हम लोगों को पढ़ाया, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, और एक हम लंबे संघर्ष के बाद जो है कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हुए। और इस दौरान हम लोगों ने बहुत कहीं ना कहीं मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि देखिए स्ट्रगल तो हर एक आदमी का ही है, लेकिन हमारे लिए सबसे मेन प्रॉब्लम जो मुझे फेस आई ना, कहीं फाइनेंशियली से ज्यादा जो प्रॉब्लम है मैडम समाज के लिए, वो गाइडेंस की है। क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं से अरेंज हो रहा था, लेकिन विदाउट गाइडेंस जो है तो काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और आज प्रेजेंट में मैम भारत कॉलेज ऑफ लॉ में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, एंड पीयूसी पीएचडी कर रहा हूँ मैम। और मेरा जो टॉपिक है मैम उसका है डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी सोशल इंक्लूजन, ए कंपैरेटिव स्टडी। डॉक्टर कृष्ण कुमार, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपकी हायर एजुकेशन कहाँ तक है, आपने कहाँ से की, थोड़ा सा आपकी एजुकेशन। मैम मैंने जो स्कूलिंग की है वो एक गांव है हमारा मुखाला, वहां के स्कूल से की, स्वामी विवेकानंद स्कूल। उसके बाद मैंने अपना जो कॉलेज है वो यमुनानगर में एमएलएन कॉलेज है, वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और आई वाज टॉपर ऑफ द इन पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ माय कॉलेज। उसके बाद मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गया एमफिल के लिए, और वहां से मैंने एमफिल किया, और वहां पे जो मेरा थीसिस का टॉपिक था वो था रेलिवेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। डॉक्टर वैशाली जैन जी मेरे गाइड रहे हैं, और उनके मार्गदर्शन में मैंने जो काम किया, जो रिसर्च सीखा, तो उनका मैं आज ही बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद मैम मैं एक डीएवी कॉलेज में आया, यमुनानगर में डीएवी गर्ल्स कॉलेज, और वहां पे हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया है यूजीसी का, उसका टॉपिक था कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ए गांधीयन पर्सपेक्टिव। बाद में मैंने इसी को एक बुक की शेप में पब्लिश भी कराया, थोड़ा ऐड करके। और उसके बाद मैम फिर मैं भारत कॉलेज ऑफ लॉ में आ गया, और पीएचडी मेरा मैम पीयूसी अभी चल रहा है, कंटिन्यू अभी हो नहीं पाया। सो सर, आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, नाउ व्हाट पोजीशन यू आर डूइंग? एट प्रेजेंट मैम मैं भारत कॉलेज ऑफ लॉ, ये बबैन में है मैम, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, एफिलिएशन है, यहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस। और अभी बल्कि करंटली मैम हमने एक प्रोजेक्ट के लिए भी अप्लाई किया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, दलित इंक्लूजन ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। सो मे बी ये चांसेस है कि वो भी अप्रूव हो जाएगा हमारा, उसका भी चल रहा है। डॉक्टर कृष्ण, आपका तो पूरा का पूरा रिसर्च एक तरह से डिफरेंट सेक्शन का ही रहा है, वेदर इट इज अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी। So I want to know who is Dalit according to you and who is untouchable? What is your perspective? I know it's your research area, but according to you, I want to know what is Dalit or untouchable? Thank you, ma'am. आपने मुझे मौका दिया, ये I think first मंच होगा जहाँ पे मैं अपने view भी add कर सकता हूँ। Otherwise हर जगह यही होता है कि research के through आप बोलिए। देखिए ma'am, जो Dalit है ना, इसका तो जो narrative है ये टाइम टू टाइम चेंजेबल हुआ है। अगर हिस्ट्री में हम जाए तो वहां हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे भी हुए हैं, और राजे कहा जाता है कि वो भी हमारे हमसे हमारे ही लोग थे जिन्होंने शासन किया, बाद में
बुद्धिज्म को लेके आए, लेकिन ये जो दलित वर्ड है इसका कहीं ना कहीं एक शुरुआत जो हुई वो हुई मैम ज्योतिबाई फुले। उन्होंने जब गुलामगिरी लिखा और उस गुलामगिरी में उन्होंने वर्णाश्रम के बारे में एनालिसिस किया सोसाइटी में, और वहां से उन्होंने कहा कि जो तीन है ब्राह्मण बनिया अक्षत्रिय, शूद्र और अतिशूद्र, जो अतिशूद्र है उसी अतिशूद्र को बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ड्यूरिंग सेंसिस और ड्यूरिंग अपने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उनको डिप्रेस्ड क्लास का नाम दिया गया। और बाद में इसी वर्ड का यूज डॉक्टर अंबेडकर जी ने मराठी में भी यूज किया, मराठी में वो लिखते थे दलित। और टाइम टू टाइम मैम इसका जो है ना इसका एरिया जो है या इसके जो लोग है वो जुड़ते गए। ज्योतिबाई फुले ने अति दलित लोगों को अति शूद्र को इसमें ऐड किया, अंग्रेजों ने इसमें काफी कास्टों को ऐड किया और उनको बाद में शेड्यूल कास्ट भी कहा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसमें अनटचेबल्स कहा जो कि कास्टों के बाहर हैं, चार वर्णों के बाहर जो लोग हैं जो कहीं के एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं उनको उन्होंने दलित कहा। लेकिन बाद में देखिए मैम उनकी आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद 72 में दलित पैंथर आता है महाराष्ट्र में, और दलित पैंथर में जो दलित है उसमें उन लोगों को भी इंक्लूड किया गया जो लैंडलेस थे और या वुमन। दलित पैंथर 1958 में आता है। अच्छा, 1958 था। और इन लोगों ने जब देखा कि महाराष्ट्र में जो दलित है उनपे एट्रोसिटीज इंक्रीज हो रही है, उन पेट्रोसिटीज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो इनके अंदर एक एक मिलिटेंट्स का भी उन्होंने किया कि हम पावर्स के द्वारा रोकेंगे, क्योंकि जेम्स सेलबर्ग ने एक बुक लिखा था कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैम, और उसमें वो कहते थे कि आदमी के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। और उस टाइम पे जो दलित पैंथर उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारी ये तीनों चीजें ही अनसिक्योर है। सबसे पहले तो हर एक आदमी चाहता है मैम आइडेंटिटी सिक्योरिटी एंड रिकॉग्निशन। और महाराष्ट्र में उस टाइम पे क्या हुआ कि जो दलित थे उनको तीनों ही जो ये चीजें थी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने दलित पैंथर बनाया। लेकिन मैम एक बात मुझे बड़ी, जब मैंने पढ़ा इसको दलित पैंथर बुक को जेवी पवार ने, तो दलित पैंथर का जो स्ट्रगल था वो दलित लीडर के अगेंस्ट ही रहा। उन्होंने जितने भी अपने धरने दिए हड़ताले दिए, चाहे तो वो जगजीवन राम जी के विरुद्ध थे या दूसरे लोगों के, उनको ये लगता था कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी जिम्मेवारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज भी हमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है कि पॉलिटिकली। अच्छा मैम, उसके बाद ये जो टर्म है और चेंज आई पावर्स के लिए भी इसको यूज किया गया। उसके बाद दलित पैंथर्स के बाद आते हैं काशीराम जी, और काशीराम जी ने एक अलग तरह का आइडियोलॉजी किया, बहुजन बहुजन इंक्लूजन किया, और एक स्लोगन दिया था उन्हें तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। एंड लेकिन फिर मायावती ने मैम दोबारा से उसको पावर्स के लिए फिर दोबारा से उन्होंने चेंज किया कि हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है, पंडित संख बजाएगा हाथी चलता जाएगा। एंड उसके बाद मैम देखिए आजकल जो एक प्रोफेसर हैं प्रोफेसर कांचा इला जी, उन्होंने एक बुक लिखा था व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू, उसमें उन्होंने कहा दलित बहुजन। मैं आपसे जो जानना चाह रही थी वो ठीक है, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ आवर दलित मूवमेंट, ठीक है, मैक्सिमम लोग इस चीज को जानते हैं, बट आई वांट टू नो वट इज दलित अकॉर्डिंग टू योर परस्पेक्टिव। हम आपसे साक्षात्कार कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू मुझे चाहिए, ये तमाम चीजें लिटरेचर में भी है और मीडिया में भी है, वो सारा चीजें पॉइंट आपसे जानना चाह रहे हैं, आपके अनुसार दलित और अनटचेबल क्या है? मेरे अनुसार मैम अगर आज मैं देखूं तो दलित, डॉक्टर कृष्ण मैं थोड़ा सा और एलिबरेट कर दूं, क्योंकि आज भी वर्तमान में ये डिस्कोर्स आ रहे हैं, मराठी की तरफ से भी आया तमाम कि हम लोग दलित नहीं है, मतलब हम लोग एस सी एस टी ओ बी सी, हम लोग अनुसूचित जाति के कहे जाएं या हम लोग स्वच्छकार कहे जाएं या हम लोग, अरे एक तरह से दलित शब्द पे ही जैसे एक समय में हरिजन शब्द के साथ जो एक बिल्कुल एकदम बैन किया गया
कोर्ट के द्वारा। ठीक उसी तरह दलित जो शब्द है इसके ऊपर भी एक एक कंट्राडिक्टरी आजकल चलती है, मैं वो जानना चाह रही हूँ। असल में आपसे माफी चाहूंगी मैंने आपको बीच में रोक दिया क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं आज जी। ओके देखिए मैम, अगर आज के टाइम पे देखा जाए ना तो दलित जो है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड आदमी हो सकता है या जो अशिक्षित है, वो जो है वो मैम आदमी आज के टाइम में अगर मेरे अकॉर्डिंग दलित मतलब डिप्रेस है, क्योंकि आज जो सिस्टम है या कोई आदमी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसी को डिप्रेस कर सकती है जिसको शिक्षा नहीं है या जो ऑर्गेनाइज नहीं है। नहीं तो आज हमारे पास मीडिया है और हर तरह के संसाधन है, इंटरनेशनल सब कुछ है। तो आज के टाइम में मेरे अकॉर्डिंग तो दलित जिस भी आदमी का एक तो शोषण हो रहा है और एक वो शोषण हो रहा है और उसको वो शोषण को यही नहीं जान पा रहा है कि मेरा शोषण हो रहा है, तो वो दलित है मेरे अकॉर्डिंग तो। अदरवाइज तो ये जो नैरेटिव है ना मैम दलित और नॉन दलित, ये नैरेटिव ही गलत किया गया है। डॉक्टर कृष्ण, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ, आप एक शैक्षणिक संस्था में काम कर रहे हैं और आपका रिसर्च भी रहा है इस एरिया में, स्वच्छकार समाज और दलित क्या ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैम, एक तो जो हमारा समाज है इसका जो नैरेटिव किया गया है ना वो ये किया गया है कि बिल्कुल लास्ट लाइन में हमें लेके गए बाय नैरेटिव। और आज अगर हम देखें वो इकोनॉमिक कंडीशन या सोशल कंडीशन भी उसमें होगी एंड पॉलिटिकली भी, तो आज हम बिल्कुल लास्ट में हैं। तो मैम दलित में भी क्या है, आपस में डिवीजन है। अगर इसमें डिवीजन करें, एक अदर समाज है जिसने हमारे साथ स्ट्रगल स्टार्ट किया, आज हम उनको एक नया नाम दे सकते हैं बड़ा भाई। क्योंकि आज मैम पूरे इंडिया में अभी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया कि जो स्टेट्स गवर्नमेंट है वो जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण कर सकती हैं, क्योंकि रिजर्वेशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो आदमी सिस्टम में इंक्लूड नहीं हो पाया वो सिस्टम में कहीं ना कहीं इंक्लूड हो पाए। इसमें मैम मैं स्वच्छकार समाज की और जो दूसरा समाज है उन समाज का जब मैं एनालिसिस करता हूं तो मैं देखता हूं कि हम लोगों ने मतलब दोनों ने मिलकर, अगर उससे पहला देखा जाए तो हमारी कंडीशन ज्यादा अच्छी है क्योंकि हम लोग क्या है नगर निगम में गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। ये बात कर रहा हूं मैं 70s की बात कर रहा हूं, 70s में अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर कास्ट का नाम नहीं लूंगा मैं उनको, मैं बड़ा भाई बोल सकता हूं, जिनकी संख्या जो है वो आज ज्यादा है, चाहे वो सिस्टम में है, चाहे वो पॉलिटिकली है, चाहे वो इकोनॉमिकली है या सोशली है, वो हर जगह मतलब हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। और अब हमें क्या है उनकी बराबरी करने के लिए कुछ और वो चाहिए, क्योंकि मुझे जब मैं सोचता हूं कि अगर दलित पैंथर दलितस्तान बना लेता तो आज कहीं ना कहीं हम उन लोगों से भी आरक्षण की मांग कर रहे होते, क्योंकि हम फिर दोबारा से पिछड़ गए हैं। और उसका रीजन ये हुआ मैम कि 70s में जब वहां पे हम दोनों बराबर थे, हम लोगों ने ना एक अलग तरह की आइडियोलॉजी बनाई और हम धर्म की तरफ चले धर्म की तरफ। मैं अपने धार्मिक संगठनों का भी नाम नहीं लूंगा। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो ये मतलब हुआ कि जो स्वच्छकार समाज है या वाल्मीकि समाज है वो एक तरह से बजाय अंबेडकरवादी रूप की तरफ धर्म की तरफ ज्यादा अग्रसित हुआ। ऋषि का जो कंसेप्ट है, जो उनका श्रद्धेय जो एक तरह से रहा उसकी तरफ वो ज्यादा गया है कंपैरेटिवली बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ गई है, ये आप मुझे लगता है जी। हाँ, इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि दूसरा जो समाज था उसने बाबा साहब अम्बेडकर का जो थीसिस है कि शिक्षित बनो संगठित बनो और संघर्ष करो को सीधे लिया। पहले उन लोगों ने शिक्षा एजुकेशन ली, फिर वो क्या है संगठित हुए और आज वो पॉलिटिकल पावर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, जो स्वच्छकार समाज है बेसिकली वाल्मीकि समाज, हम लोगों ने बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी उसको ही उल्टा ले लिया, हमने एकदम एक अपना धर्म बना दिया, संघर्ष किया, एक धर्म को चैलेंज कर दिया संघर्ष, और फिर हम क्या होने लगे संगठित होने लगे इधर पंजाब यूपी हरियाणा महाराष्ट्र में, आज हम संगठित हो रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि हमें एक वर्ड जो है वाल्मीकि जी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि उस पे जुड़ेंगे तो हम लोगों का एक अच्छा नंबर बनेगा, अच्छा नंबर बनेगा तो अच्छी भागीदारी मिल सकती है। तो फिर हम संगठित होने लगे, उसमें खैर हमने अचीवमेंट भी की
और मैम अभी पिछले 10 सालों से हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, तो अब हम सही ट्रैक पे हैं और आने वाले 10 सालों के बाद देखेंगे तो हम एक बेहतर स्थिति में होंगे। और जो सरकार है मैम वो भी कहीं ना कहीं इस बात को मान रही है कि हम लोगों को क्या है अलग से रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन देना होगा। अभी हरियाणा में मैम एजुकेशन में क्या हुआ, जो एससी है शेड्यूल कास्ट उसमें क्या है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट भी एक कैटेगरी बनाई गई है और उसमें हमें ऐड किया गया, एक शेड्यूल कास्ट को ही दो पार्ट में कर दिया, शेड्यूल कास्ट और डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। हां जी, अगर मैं सही हूं तो अभी वो सिर्फ स्टूडेंट में ही आया है जी मैम, तो नहीं है सिर्फ एडमिशन में हुआ है, शिक्षा एजुकेशन में इंस्टीट्यूट में दिया गया है लेकिन उसमें नहीं आया अभी नौकरियों में, अभी अधूरा है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि क्या वजह है वाल्मीकि समाज इतने पीछे क्यों रहा, वजह क्या रही जबकि ये साइड था, हम तो स्वच्छकार समाज में भी तमाम वो जातियां जो स्वच्छ कार का जो सफाई पेशे से जुड़ी हुई है, चाहे चर्मकार हो, चमड़ा बुनने का बिनने का जो काम है वो भी एक तरह से स्वच्छकार समाज ही कर रहा है, जो तेल बेचने का काम है या कपड़े धोने का काम है, तमाम जो लेबर से जुड़े हुए जो काम है वो सारे के सारे स्वच्छकार समाज कर रहे हैं, वो स्वच्छकारी है एक तरह से, जो सफाई जुड़ा हुआ समाज है वो भी स्वच्छकारी है, जो चमड़े का काम कर रहा है, जूती काटने का काम कर रहा है, कपड़े धोने का काम कर रहा है, बाल काटने का काम कर रहा है, तेल बेचने का काम कर रहा है, वो तमाम ये सारे के सारे एक तरह से स्वच्छकार समाज में ही आते हैं। ये हम एक तरह से इसको अगर हम एकदम सीधा सफाई पेशे से जुड़ा हुआ समाज जो अलग अलग जातियों के नाम से जाना जाता है, हरियाणा में किसी और नाम से जाना जाएगा, पंजाब में किसी और से, बिहार में किसी और से, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्वच्छता से संबंधित जो काम है, जो पेशे हैं, अगर हम इसको पेशेगत आधार पर देखें तो ये एक है, लेकिन अगर हम इसको समुदाय के आधार पर देखें तो वाल्मीकि और महतर दोनों में ही रोटी बेटी का संबंध नहीं है। हम जानते हैं वाल्मीकि से ही रोटी बेटी का संबंध करेगा, ना कि महतर में जाके करेगा, जबकि पेशेगत दोनों का पेशा एक ही है, दोनों अलग अलग है। मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि पेशेगत और समुदायगत, जाति और पेशा दोनों के आधार पर एक तरह से जो ये बंटवारा है, और इसके बावजूद भी जो आपने बताया, आपने बहुत अच्छा बताई है अपनी बातचीत में कि एक जो शुरुआती दौर रहा उसके बाद कैसे डेवलपमेंट हुआ, एक खास जातियां जो अलग ऊपर चली गई, वो पॉलिटिकली भी, एजुकेशनली भी, प्रोफेशनली भी, इंडस्ट्री में भी, लेकिन एक समाज का हिस्सा पीछे रहा, छोटा भाई जिसको आप कह सकते हैं या बड़ा भाई कहें, बल्कि हालांकि मैं तो इसको छोटे बड़े के आधार पे देखते नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको बराबर किया है और हम सब बराबर ही रहेंगे, वो बड़ा क्यों और हम छोटे क्यों, मतलब ये तो आप वही रिसंस्क्रिटाइजेशन ऑफ कास्ट फैक्टर हुआ ना कि हम छोटा बड़ा खुद को मानने लगे, क्यों नहीं हम बराबर हैं, एक समाज आगे बढ़ा है दूसरा पीछे, वजह क्या रही फिर वाल्मीकि समुदाय की जबकि अच्छी खासी संख्या में वाल्मीकि समाज है, क्यों पीछे रहा फिर ये समाज, इसको भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर जो उनका इतनी बड़ी कुर्बानी रही है, मुझे आज भी याद पड़ता है कि अगर हम पंजाब के आंदोलन से शुरू कर लें, आज धर्म समाज के आंदोलन से, बाबू मंगूराम का आंदोलन और तमाम अछूतानंद का आंदोलन और 1857 से भी पहले इवन बामसेट में भी दीना भाना जी का आंदोलन, तमाम कितने सारे पुरखे वाल्मीकि समाज के हुए हैं जिन्होंने समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका न केवल निभाई बल्कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक कंसेप्ट को पलट के रख दिया था वाल्मीकि समाज में, इसके बावजूद भी वाल्मीकि समाज पीछे रहा क्यों? इसका जो मैम मुझे जो कारण लगा, एक्चुअली हम लोग बहादुर कौम है, मेहनती कौम है, नो डाउट हमारा एक अहम भूमिका रही है सिस्टम में, लेकिन हम लोगों ने मैम जो मैंने बताया ना आपको कि 70s और 80s में वहां से हम थोड़ा सा एक अलग ट्रैक पे चले गए। ओके ठीक है, और वहां मतलब और दूसरा मैम उसका रीजन ये है कि हम हिंदू होते हुए हमारे जो उनके देवी देवता है वो भी हैं, लेकिन इसके अलावा मैम हमारे लोकल देवी देवता भी हैं, देव पितर बहुत से वो हैं, उन काफी चीजों में हम लोग इन्वॉल्वमेंट में रहे बिजी, तो एक हम धर्म को मैं अगर मान लू ना कि मतलब वो धर्म भी नहीं था, धर्म भी नहीं कह सकते उसको, तो क्या था वो, या वो अंधविश्वास था या जो भी उनकी श्रद्धा थी जो
आस्था थी वो उसमें अपनी एनर्जी को ज्यादा लगाया, ना कि एजुकेशन में और डेवलपमेंट में। दूसरा, एक लीडरशिप नहीं मिला। लीडरशिप जो अगर आप देखोगे ना मैम, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बाद कहीं ना कहीं काशीराम जी या दूसरे जो लोग थे वो हमारे लीडर भी हैं, पूरे देश के लीडर हैं, पूरे वर्ल्ड के लीडर हैं, लेकिन एक हर एक समाज की एक अलग परिस्थिति होती है, अलग वातावरण होता है, अलग उसकी संस्कृति होती है। तो वहां से उस संस्कृति को समझा कर और दूसरी संस्कृति में एंट्री करवाने वाला जो एक लीडर होता है ना, एक पुल, वो एक लीडर नहीं मिल पाए हमें मैम कहीं ना कहीं। आज भी आप देखोगे तो बहुत कम है जो लीडर है जिन्होंने मतलब एक पुल का काम किया है एक्चुअल में। और दूसरा मैम, जो हमारे जो लोग थे, जैसे अब आप हो मैम, आप प्रोफेसर बने, आप लोगों के सामने आज बोल रहे हो अच्छे से, मैं हूं, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन मैम मैं इमेजिन करता हूं कि आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले अगर कुछ लोग हमारे होंगे बड़े अफसरों में, उन्होंने मैम अपनी आइडेंटिटी छुपा ली। मेरे सामने एक ऐसा एग्जाम्पल आया एक बार, मैं दिल्ली से कोई मेरे को मिला और वो बोले कि मैंने क्या है एक क्लर्क की नौकरी की यूपीएससी में एज ए, और लोग मुझे बाबू बोलते थे और वे वहां से रिटायर्ड हो गए, मैंने अपनी कास्ट ही नहीं बताई। तो मतलब उसके अंदर इतनी इन्फीरियरिटी थी कि अगर मेरी कास्ट पता चल जाएगी तो मुझे दिखते आएंगे, देखते आएंगे, वैसे कहीं ना कहीं लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, लेकिन वो दिखते फिर आने वाली पीढ़ियों को आएंगे। हाँ बिल्कुल आती है, तो क्यों ना हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बेहतरी के लिए कुछ दिक्कतें खुद उठा ले, उठानी तो है। उन लोगों ने उठाई तो उनकी दूसरी पीढ़ी थोड़ी ठीक है, दूसरी पीढ़ी ज्यादा उठा लेगी, तीसरी पीढ़ी ठीक हो जाएगी। अब मैम मैं और आप जो है हम ये पीढ़ी उठा रहे हैं, तो आने वाली जो पीढ़ियां है हमारी वो उनका थोड़ा बहुत बेहतर होगा। और देखिए मैम, एक हमें आज भी कहीं ना कहीं एक जो धर्म का मुद्दा है ना और आस्था का मुद्दा है, इससे हमें अपने आप को बचाकर एक साइलेंट रेवोल्यूशन की जरूरत है। क्योंकि देखिए हम महर्षि वाल्मीकि जी को मानते हैं और महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा, और रामायण और महाभारत और वेद पुराण जो है वो हिंदू धर्म के एक फाउंडेशन है। तो हम एक दूसरा जो नैरेटिव चला हुआ है कि हिंदू नॉन हिंदू, हम हिंदू होते हुए भी अपना विकास कर सकते हैं, एक अलग धर्म को बनाने की हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि मैम एक धर्म में बहुत सी सिविलाइजेशन और बहुत से कल्चर रह जाते हैं और कन्फ्लिक्ट होता है। मैम अगर आप देखोगे सीरिया में देख लीजिए, पूरा देश ही खत्म हो गया, सिर्फ एक ही धर्म था। डॉक्टर कृष्ण, मैं आपसे अब एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूंगी कि आप एक नीचे के पायदान से उठ के आज क्षेत्रा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे हैं, इनमें कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसा वाक्यात जो आपको प्रेरणा भी देता हो, जो कहीं ना कहीं एक होता ना कि हम महसूस करते हैं उस वाक्य को हम कभी नहीं भूल पाते, कोई ऐसा एक्सीडेंटल आपकी इंटायर लाइफ में, कोई ऐसा अनुभव आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? जी देखिए मैम, अगर मैं अपनी बात करूं, आपने मेरे से पूछा, तो मेरी लाइफ तो इतनी लकी रही कि मुझे जो मेरे टीचर्स थे वो ब्राह्मण भी थे, बनिया भी थे, क्षत्रिय भी थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और उन्होंने कभी मेरे साथ कोई ऐसी अनटचेबिलिटी है जैसे मतलब इवन ज्यादा प्यार किया, ज्यादा हेल्प की और आउट ऑफ वे जाके भी हेल्प की और मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करो। क्योंकि मैंने बोला कि हम लोग चलो फाइनेंशियली ठीक हो सकते थे, लेकिन अगर गाइडेंस मुझे देखा जाए तो अंबेडकरवाद मेरी फैमिली में मैं लेके आया, अंबेडकरवाद को लेके आने वाला मेरी फैमिली में मैं हूँ, और उससे पहले जो एजुकेशन है, जो भी एक प्लेटफॉर्म दिया वो दूसरे लोगों ने या दूसरे लोग अपने लोगों ने दिया, लेकिन उनको लगा कि इसको अगर आप करना चाहते हो और कर सकते हो तो लोग आपकी हेल्प के लिए हमेशा आएंगे, बस लेकिन आपके अंदर भी थोड़ा सा पोलाइटनेस के साथ हो। चैलेंज करेंगे किसी को फिर वो हमारी हेल्प नहीं करेगा। मैम डॉक्टर कृष्ण, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वाल्मीकि समाज का भविष्य क्या नजर आ रहा है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर के थॉट को वो समझ पाएगा कभी, या कैसे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका और मुख्य धारा का हिस्सा, एक मुख्य धारा बनकर काम करे? देखिए मैम, जो समाज का भविष्य है, सबसे पहले तो हमें ना अपना नैरेटिव की बेसिकली ज्यादा इसलिए जोड़ देता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्फियोरिटी और सुपियोरिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये नैरेटिव से आया। आज अगर मैंने हम देखें हिंदू, और हम अपने आप को बोल दें एक ग्लोबल हिंदू, उसका मैंने कुछ इसलिए किया है क्योंकि
डॉक्टर कृष्ण उनके साथ साथ जो हमने वो ऐड किया, आपसे सिर्फ सीधा सवाल पूछ रहे हैं, इसको धर्म से जोड़ के मत देखिए, मैं सिर्फ एक जाति की बात कर रहा हूँ। धर्म का सवाल बहुत अलग सवाल है, उस पर पूरी चर्चा की जा सकती है, वाल्मीकि धर्म के ऊपर भी पूरी चर्चा की जा सकती है, मैं इस पर बात नहीं कर रही। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ कि वाल्मीकि समुदाय जो है, वाल्मीकि जाति जो है, उसको क्या ऐसा करना चाहिए समाज के लिए, कैसे वो एक बड़ी भूमिका की तरफ बढ़ पाएगा, कैसे वो एक एक अपने आप को मुख्य धारा का हिस्सा बना पाए, आप क्या सोचते हैं जी? देखिए मैम, मेरा तो यही मानना है कि अगर हम अपना भविष्य बेहतर करना चाहते हैं तो भविष्य बेहतर करने के लिए तो सबसे पहले हमें यह मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं। मतलब कमजोरी का मतलब है कि थोड़े पीछे हैं। देखिए कमजोरी दो तरह की होती है, एक एक्सेप्ट कर लेना, एक कमजोर होते भी नहीं एक्सेप्ट करना। मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ कि हम मान लें कि हम थोड़े से हम फाइनेंशियली एजुकेशनली इंस्टीट्यूशनली वीक है, पीछे है, पॉजिटिव लेके चलेंगे इसको। अब उस जो पीछे रह गए उसको आगे जाना है। अच्छा, एक आदमी आगे तभी जाएगा जब वो अपने आप को क्या है, झगड़ों से बचाएगा। अब मेरा ये अपने समाज के सभी लोगों को एक निवेदन भी है, एक प्रार्थना भी है कि आप एक किसी भी तरह का झगड़ा है, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, उन सब से बचकर, और बाबा जो भी आपकी हेल्प मिले, आप देखिए हेल्प मांगोगे, पोलाइट रहोगे, आपको लोग हेल्प करेंगे, 10 नहीं करेंगे, 20 नहीं करेंगे, कोई ना कोई पक्का करेगा, क्योंकि आज काफी लोग चेंज हुए हैं, आपकी हेल्प करने के लिए भी तैयार है। तो साइलेंटली आप एजुकेशन करें। एजुकेशन के बाद क्या है कि पावर में मैम दो तरीके हैं, दो तरह की पावर होती है, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। आप परमानेंट पावर्स में जाएं। अभी भी मैम आने वाले 50 सालों तक 3 सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता, एक जुडिशरी, एक पुलिस और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। और चाहे गवर्नमेंट सारे सेक्टर प्राइवेट कर दे, लेकिन इन 3 सेक्टर्स में नहीं कर पाएगी, क्योंकि यही प्राइवेट हो गए तो फिर सब कुछ ही प्राइवेट हो जाएगा, एक डेमोक्रेसी का खत्म हो जाएगा। तो ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे हम अपनी एंट्री कर सकते हैं विद एजुकेशन, विद टेस्ट। और रिजर्वेशन जो है ये गवर्नमेंट बड़ा ध्यान रख रही है, मोदी जी सरकार या खट्टर सरकार जो है, रिजर्वेशन को कोई नहीं हाथ लगाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिटिशियनों को दी गई है। मैं मानता हूं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे लिए जब कोई आता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, उसके अगेंस्ट ना बोले, लेकिन जब बात आएगी ना कि पार्लियामेंट में या उसमें रिजर्वेशन खत्म हो रही है या कम हो रही है, तो वो एकदम आएंगे, तो वहां से रिजर्वेशन बची रहेगी और ये बची रहेगी। हाँ जी मैम, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, हमारे पास समय कम है। थैंक यू मैम। स्वच्छकार समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वच्छकार समाज को मेरा मैम यही संदेश है कि देखिए, सबसे पहले तो अपने आप में विश्वास करिए। डॉक्टर कृष्ण, म्यूट कर दिया आपने गलती से। ऐसा साधन है हमारे सामने एजुकेशन, कि जिसके द्वारा हम बहुत आगे जा सकते हैं, और हमें अपने आप को मैम अब जो टाइम है ना, अपने आप को बचाने का है, क्योंकि अभी टाइमिंग थोड़ा क्रिटिकल भी है, इसमें अपने आप को बचा के अगर हम निकल गए फिर हम भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अभी पहले बेसिक लड़ाई लड़ लें। तो शांति से रहें, खुश रहें और अपनी बढ़ाएं और आगे तरक्की करते जाएं। आपकी हेल्प हर एक आदमी करेगा, लेकिन आपको अपने अंदर गुण पैदा करने पड़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृष्ण, आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई। तो आगे फिर आपसे जब रिजर्वेशन के मुद्दे पर हमारा पैनल बैठेगा तब आपसे जरूर बातचीत करेंगे। चर्चा की इस कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण, मैं तमाम दर्शकों का, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। स्वच्छकार समाज की आवाज आपके साथ यूं ही बनी रहेगी, एक आवाज के साथ फिर अगले एपिसोड तक आप करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भारत। थैंक यू, थैंक यू।